बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ फर्स्ट ईयर इंग्लिश। हम अपने आज के लेक्चर में लेसन नंबर 4 थैंक यू मैम पढ़ेंगे, जिसे लिखा है लैंगस्टन ह्यूज ने। ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। शी वॉज अ लार्ज वुमेन विद अ लार्ज पर्स दैट हैड एवरीथिंग इन इट बट अ हैमर एंड नेल्स। वो एक दराज कद खातून थी एक बहुत बड़े पर्स के साथ, जिसमें हथौड़ी और कीलों के अलावा सब कुछ था। इट हैड ए लॉन्ग स्ट्रैप, उसकी एक उसके बैग की बहुत बड़ी स्ट्रिप थी। एंड शी कैरीड इट स्लंग अक्रॉस हर शोल्डर, और उसने इसे अपने कंधे पर लटकाया हुआ था। इट वॉज अबाउट 11 o'clock एट नाइट, रात के तकरीबन 11 बजे हुए थे, डार्क बहुत अंधेरा था। एंड शी वॉज वॉकिंग अलोन, और वो अकेली चल रही थी। When a boy ran up behind her, जब एक लड़का उसके पीछे भागा, and tried to snatch her purse, और उसने उसका पर्स छीनने की कोशिश की। The strap broke with a sudden single tug, और वो जो बेल्ट थी वो एक ही झटके से अचानक टूट गई। The boy gave it from behind, जो कि लड़के ने पीछे से इसे दिया था। But the boy's weight and the weight of the purse combined caused him to lose his balance. लेकिन लड़के का वजन और पर्स का वजन ने मिलकर लड़के को मजबूर कर दिया कि वो अपना तवाजुन खो दे। इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑफ फुल ब्लास्ट, एक बिल्कुल तेजी के साथ भागने की बजाय, एज ही हैड होप, जैसा कि उसने उम्मीद की थी, द बॉय फेल ऑन हिज बैक, लड़का कमर के बल गिर गया ऑन द साइड वॉक, रास्ते पर। एंड हिज लेग्स फ्लू अप, उसकी टांगे ऊपर उठ गई। द लार्ज वुमन सिंपली टर्नड अराउंड, दराज कद औरत वापस मुड़ी। एंड किक्ड हिम राइट स्क्वायर इन हिज ब्लू जीन्स सिटर, और उसे उसकी ब्लू जीन्स कमर पर एक जोर से किक मारी। देन शी रीच डाउन, फिर वो नीचे झुकी, पिक्ड अप द बॉय अप बाय हिज शर्ट फ्रंट, और लड़के को उसके शर्ट के सामने वाले हिस्से से पकड़ के उठाया। एंड शुक हिम, उसे हिलाया, अंटिल हिज टीथ रैटल, यहाँ तक कि उसके दांत भी हिलने लगे। After that the woman said, इसके बाद औरत ने कहा, pick up my pocket book boy, लड़के मेरी डायरी उठाओ, and give it here, और इसे मुझे दो। She still held him tightly, उसने उससे मजबूती से पकड़े रखा। But she bent down enough to permit him to stoop, लेकिन उसने वो इतना झुकी कि वो इसे इजाजत दे दे कि वो झुक जाए, and pick up her purse, और उसका पर्स उठा ले। Then she said, फिर उसने कहा, now aren't you ashamed of yourself? अब तुम्हें अपने आप पे शर्मिंदगी नहीं हो रही? Firmly gripped by his shirt front, अपने शर्ट के सामने वाले हिस्से से मजबूती से पकड़े जाने की वजह से पकड़े हुए, the boy said, लड़के ने कहा, yes, am, जी हुई है। The woman said, औरत ने कहा, what did you want to do it for? तुम ये किस वजह से करना चाहते थे? द बॉय सेड, आई डिडेंट एम टू, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। शी सेड, उसने कहा, यू आर लाई, तुम झूठे। बाय दैट टाइम टू आर थ्री पीपल पास स्टॉप्ड, उस वक्त दो या तीन लोग गुजरे, खड़े हुए, टर्न टू लुक, देखने के लिए मुड़े, एंड सम स्टूड वॉचिंग, और कुछ खड़े देखते ही रहे। इफ आई टर्न यू लूज विल यू रन, अगर मैं तुम्हें ढीला छोड़ दूँ क्या तुम भाग जाओगे? आस्क्ड द वुमन, औरत ने पूछा। यस जी मैम, सेड द बॉय, लड़के ने कहा। Then I wouldn't turn you loose. फिर मैं तुम्हें ढीला नहीं छोड़ूंगी, said the woman, औरत ने कहा। She didn't release him. उसने उसे ढीला ना छोड़ा। Lady, I am sorry, whispered the boy. लड़के ने सरगोशी की, खातून मुझे अफसोस है। Your face is dirty. I got a great mind to wash your face for you. तुम्हारा चेहरा गंदा है, मेरे जहन में ख्याल आया है कि मैं तुम्हारा चेहरा धुलवाऊँ। And you got nobody home to tell you to wash your face? क्या तुम्हारे घर में कोई शख्स नहीं है जो तुम्हें बताए कि तुम्हें अपना चेहरा धोना है? No, ma'am. नहीं मैम, said the boy. लड़के ने कहा। Then it will get washed this evening. फिर तो ये इस शाम धुलेगा, said the large woman, इस दराज कद औरत ने कहा। Starting up the street, गली के शुरू होते ही, dragging the frightened boy behind her, वो इस डरे हुए लड़के को अपने पीछे घसीटती रही। He looked as if he were 14 or 15. वो 14-15 साल का दिखाई देता था। फ्रेल एंड विलो वाइल्ड, बहुत ही कमजोर, दुबला पतला, इन टेनिस शूज एंड ब्लू जीन्स, जिसने टेनिस शूज और ब्लू जीन्स पहनी हुई थी।
द वुमेन सेड, औरत ने कहा, यू ऑट टू बी माई सन, तुम्हें मेरा बेटा होना चाहिए था। आई वुड टीच यू राइट फ्रॉम रॉन्ग, मैं तुम्हें सही और गलत का फर्क बताती हूँ। लीस्ट आई कैन डू राइट इज टू वॉश योर फेस, कम अज कम जो मैं कर सकती थी वो ये कि तुम्हारा मुंह तो जरूर धुलवाती। आर यू हंग्री, क्या तुम भूखे हो? नो मैम, नहीं मैम, सेट द बींग ड्रैग्ड बॉय, इस घसीटे जाने वाले लड़के ने कहा। आई जस्ट वॉन्ट यू टू टर्न मी लूज, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप मुझे ढीला छोड़ दें। वॉज आई बोदरिंग यू वेन आई टर्न दैट कॉर्नर, क्या मैं तुम्हें परेशान कर रही थी जब मैं इस कोने की तरफ मुड़ रही थी? आस अ वुमेन, औरत ने पूछा। नो मैम, नहीं मैम, बट यू पुट योर सेल्फ इन कॉन्टेक्ट विद मी, बल्कि तुमने ही मुझे तंग किया, सेट द वुमेन, औरत ने कहा। If you think that contact is not going to last a while, अगर तुम्हारा ये ख्याल है कि ये ताल्लुक ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाला, you got another thought coming, तो तुम कुछ और सोचो। When I get through with you, sir, you are going to remember, जब मेरा तुम्हारे साथ पाला पड़ा है तो तुम ये याद रखोगे, Mrs. Loyola Bears Washington Jones के कौन थी Mrs. Loyola Bears Washington Jones? Sweat popped out on the boy's face, पसीना लड़के के चेहरे से बह निकला। एंड ही बिगेन टू स्ट्रगल, और उसने कोशिश करना शुरू कर दी। मिसिस जॉन्स स्टॉप्ड, मिसिस जॉन्स रुकी, जर्क्ड हिम अराउंड इन फ्रंट ऑफ हर, उसे झटका देकर अपने सामने लेके आई, पुट अ हाफ नेल्सन अबाउट हिज नेक, और उसकी गर्दन पे एक चपत रसीद की, एंड कंटिन्यू टू ड्रैग हिम अप द स्ट्रीट, और उसे गली की अगली तरफ घसीटना जारी रखा। When she got to her door, जब वो अपने दरवाजे तक पहुंची, she dragged the boy inside, उसने लड़के को अंदर घसीटा, down a hall, एक हॉल में नीचे की तरफ, and into a large kitchenette, और एक बहुत बड़ी किचन की तरफ, furnished room at a hall, जो कि एक हॉल का वो सजा सजाया कमरा था, and into a large and furnished room at the rear of the house, घर के पिछले हिस्से में एक सजा सजाए किचन के अंदर। She switched on the light. उसने लाइट जलाई and left the door open, और दरवाजा खुला छोड़ दिया। The boy could hear other rumors laughing and talking in the large house. लड़का उस बड़े घर में दूसरे कमरे वालों को बात हंसते हुए और बातें करते हुए सुन सकता था। Some of their doors were open. उनके कुछ दरवाजे खुले हुए थे। टू सो ही न्यू ही एंड द वुमेन, इसलिए वो जानता था कि वो और खातून वर नॉट अलोन, अकेले नहीं थे। द वुमेन स्टिल हैड हिम बाय द नेक इन द मिडल ऑफ हर रूम, और खातून ने अभी भी कमरे के दरमियान में उसे गर्दन से पकड़ा हुआ था। यहाँ पे हम अपने आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर का बकिया हिस्सा पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।